अभी तक नहीं है। पिंकी आंटी से बात भी कहाँ थे आप? हाँ, रात भर गायब थे, ना कोई फोन ना कोई मैसेज, और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे आप। आपको पता मैं कितनी परेशान हो गई थी, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। अच्छा, आपने कुछ खाया है? कुछ खाया है क्या? पक्का आपने कुछ नहीं खाया होगा, और आपकी दवाइयाँ वो भी नहीं ली होंगी। अच्छा, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ, थोड़ी सी सब्जी। आपके हिसाब से थोड़ा जला हुआ है, लेकिन खाली पेट रहने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा खा लीजिए। अभी गया और अभी आया, ये बोल के गए थे आप, और आप अब आ रहे हैं। आपको पता है मैं आपका वेट करते करते ऐसे सोफे पे बैठे बैठे सो गई, और गर्दन अकड़ गई है मेरी। मसाज देना पड़ेगा आपको, आपका वेट कर रही थी मैं दरवाजे के बाहर, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और एक तो इतनी रात हो गई थी, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, और एक बात बोलूं, वो चालू मती पे ना ऐसा नाटक आ रहा था ना कि मेरा भेजा फ्राई हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा। पनीर दे दूं थोड़ा? ये बहुत अच्छा तरीका है बात काटने का, लेकिन मैं अभी भी बहुत गुस्से में। सब ठीक हो जाएगा अनिका। क्या ठीक हो जाएगा मतलब? हाँ, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। कद्दू ठीक होगा? मैं ना इतनी आसानी से मानने वाली हूँ। अरे यार, तुम्हारा पति सारी रात काम कर रहा था, उसके बाद घर आया, और उसके बाद ये जला हुआ खा रहा है। तरस तो खाओ मुझ पर। नहीं, मतलब मैं ये इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे जला हुआ बहुत बहुत पसंद है। तो आप खाइए, पूरा खत्म कीजिए, अब मैं खिलाती हूँ। I'm sorry अनिका, तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी मेरे पास है और मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बताऊं, कैसे बताऊं। एक तो रात भर आप मीटिंग के लिए बाहर थे, अब वापस आके हम दोनों को मीटिंग के लिए बुला लिया, चक्कर क्या? चक्कर नहीं, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? वो बोटॉक्स कुमारी वापिस जेल से भागी क्या? मुझे अनिका के पिता के बारे में पता चल गया। अरे ये तो खुशी की बात है शिवाय। हाँ, इसमें प्रॉब्लम जैसा कुछ लग नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है कि मैं इस बारे में अनिका को नहीं बता सकता। क्यों? अरे अनिका भाभी को बताओगे बहुत खुश हो जाएंगी। क्या बताऊं मैं कि उसके पिता कल्याणी मिल में फोरमैन थे, कल्याणी मिल में जो आग लगी थी उसका पूरा इल्जाम उन पर लगा। क्या ये बताओ कि उसी हादसे में उनकी मौत हो गई? हालांकि ये इल्जाम साबित नहीं हो पाया था, लेकिन वो इकलौते इंसान थे जिन पे आग लगाने का इल्जाम लगा। तो वो आग अनिका भाभी के पापा ने लगाई थी? ऐसा पुलिस को लगा था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं बता सकता। और इसी बात की वजह से मुझे ये बात अनिका से शेयर करने में डर लग रहा है कि कहीं आधे अधूरे सच की वजह से अनिका अपने पिता से नफरत ना करने लगे, कि कहीं उसे ऐसा ना लगे कि वो एक खूनी की बेटी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अनिका की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे उसे बताना चाहिए। सारी जिंदगी वो एक परिवार के लिए तरसी है, लास्ट नेम के लिए तड़पी है, और अब मैं उसे उसका लास्ट नेम बता सकता हूँ? मैं उसे बता सकता हूँ उसके माँ बाप कौन, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मैं उसे दे सकता, फिर उसके पिता पे लगे हुए इल्जाम के बारे में सोचता हूँ और डर जाता हूँ, कहीं ये सुन के अनिका का दिल ना टूटे, कहीं वो ना टूट जाए। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू ही कहता है ना कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन ना निकला जा सके। मेरी बात मान, अनिका के पापा के बारे में पूरा सच पता कर, तब और सिर्फ तब अनिका भाभी को बता, क्योंकि आधे अधूरे सच का क्या बोझ होता है ये हम तीनों भाई अच्छी तरह जानते हैं। जब हमें लगा था कि कल्याणी मिल के हादसे में हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। सॉरी, मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करता।
भैया सच चाहे जो भी हो आपको अनिका भाभी को बता देना चाहिए। लेकिन अनिका इस बात को हैंडल नहीं कर पाएगी। या हम लोग हैं ना उन्हें संभालने के लिए। रूटी तू इमोशनल हो रहा है, सोच भाभी पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पापा की वजह से सैकड़ों सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। और अगर यही सच उन्हें किसी और से पता चले तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। रुद्र वो बात की बात है, तब तक कोई ना कोई सलूशन जरूर निकल आएगा। क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। मुझे हो सर कभी मिला ही नहीं जो आपके भाग से एक इतना अच्छा परिवार और इतने प्यारे लोग। तुम दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हो। शेहानिका को यह बात बताना भी जरूरी है और उसे छुपाना भी जरूरी। हम सब जानते हैं कि अनिका बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ एक चीज है जो उसे कमजोर बनाती है, जो उसकी सारी खुशियों को अधूरा छोड़ देती। वो है उसका परिवार, उसकी फैमिली। इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, जिनकी कमी उसे आज भी खलती है। मैं उसे उसका परिवार लौटा नहीं सकता, लेकिन उसका एहसास जरूर करा सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि वो कौन थे, कैसे थे, उसके माँ बाप कैसे थे, उसे कितना प्यार करते थे। और ये कि वो सिर्फ अनिका नहीं, अनिका वर्धन त्रिवेदी है। अनिका वर्धन त्रिवेदी। मैं ये बात उसे उनसे बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए ना, उसकी पहचान मैं उसे दूर नहीं 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 करूंगा। मैं बताऊंगा कि उसके पिता कौन थे। ये नहीं बताऊंगा कि उसके पिता उनके साथ जो पास जुड़ा है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। मुझे लगता है कि उनकी बेटी अनिका हो, कोई गलत नहीं कर सकते। अनिका उनकी बेटी है ना, कैसे कोई गलत। मैं हर्षवर्धन त्रिवेदी के बारे में सब कुछ, I'll find out all the information, सब कुछ मैं पता करूंगा, उनका नाम क्लियर करूंगा मेरी अनिका के। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी वो अपने पिता के बारे में सोचे, गर्व से सोचे। डिसाइड कर लिया। यस यस, तेरा जो भी डिसीजन है, तेरे दोनों भाई तेरे साथ। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं अपना हनीमून कैंसिल कर देता हूं। तो हनीमून पे जा रहे? मैंने ऐसे ही बोला, ठीक है, मेरे दोनों भाई नहीं है, मेरी क्या मजाक। अच्छा मेरी एक बात सुनो प्लीज से, मेरे लिए काम करना है, मैं एक एड्रेस दूंगा, जो आना है वहां पर।